हेलो गाइस, वेलकम टू KCEW। आज मैं बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। एक जगह नहीं, दो दो जगह से अच्छी न्यूज़ आई है। एक तो कर्नाटका में, और दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को ऐसे ही सब नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन देखो 370 हटने के बाद से अच्छी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। 30-40 साल के बाद वहाँ एक मल्टीप्लेक्स बन गया, सिनेमा हॉल खुला फाइनली। दंगे फसाद होने भी बहुत हद तक बंद हो गए। तो आज जो न्यूज़ निकल के आई है वो है लिथियम रिजर्व पे। लिथियम रिजर्व इतना ज़्यादा कर्नाटका में पाया गया, और प्लस जम्मू कश्मीर उस में जो माइनिंग हुई है, तो पता चला कि इंडिया के पास इतना ज़्यादा लिथियम रिजर्व है। अभी इंडिया जो था वो चाइना और यूएसए के ऊपर निर्भर था, क्योंकि लिथियम आप भी जानते हो, ईवी जितना भी इंडिया चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि जो बैटरी में यूज़ होता है वो लिथियम रिजर्व होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले चाइना और यूएसए पर डिपेंडेंट थे। देखो, चाइना के पास भी उतना खुद अपना लिथियम रिजर्व नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा लिथियम रिजर्व था, और चाइना ने बहुत बड़ा एक एरिया लिथियम रिजर्व का अफगानिस्तान को सर्टेन अमाउंट देके अपने पास ले लिया था। इंडिया को भी ये ऑफर मिली थी, क्योंकि इंडिया ने भी साउथ अफ्रीका को 3.9 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया हुआ था। तो साउथ अफ्रीका भी अब ऑफर कर रही है कि उसका 75% लिथियम रिजर्व जो है वो इंडिया को ही दे देगी, क्योंकि वो लोन नहीं चुका पा रही है। तो इंडिया के पास ऑलरेडी ये लिथियम का एक सोर्स बन गया था कि उसे अब खरीदना नहीं पड़ता कहीं से, लेकिन अब खुद इंडिया के पास अगर लिथियम की माइनिंग हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो कर्नाटका में देखा गया 1600 मिलियन टन के आसपास में देखा गया कि कर्नाटका के में इतना बड़ा लिथियम का खदान है, और कल का न्यूज़ निकल के आया कि जम्मू कश्मीर में भी 5.9 मिलियन टन के आसपास में पाया गया है लिथियम का खदान। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इंडिया के लिए, सिर्फ ना सिर्फ कि ग्लोबल लीडर बनने में एक योगदान मिलेगा, प्लस कि अब हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या जितने भी तरह के अप्लाइंसेस होते हैं, तो लिथियम बैटरीज जो ज़रूरत पड़ती थी और हमें हमेशा वो एक्सपोर्ट करना पड़ता था, सॉरी इम्पोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि अब जो भी है हमारा खुद का होगा, हम अपना खुद बनाएंगे। तो इससे कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे हद तक हो जाएगी। प्लस क्या है कि जो भी आप गाड़ी लोगे तो गाड़ी में भी एक सर्टेन अमाउंट तक आपका जो प्राइस का रिडक्शन हो तो ज़रूरी होगा। पहले था कि मंगाने का चार्ज, कॉस्ट, टैक्स एंड एवरीथिंग लगता था, अब तो खुद के यहाँ होगा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे हिसाब से तो ये सच में एक बहुत बड़ा उपलब्धि देखा जा रहा है कि इंडिया हैव गेन्ड। और अब आप बताओ कि हाँ भाई, आपको क्या लग रहा है इस पर? लेकिन हाँ, सच में हैट्स ऑफ टू इंडिया कि चलो, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो निकल के आ रही है। तो लगा कि ये न्यूज़ एनालाइज करना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये न्यूज़ लेकर आया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त कुणाल के साइनिंग ऑफ।